आज का जो माहौल, मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ जहाँ नवीन जी ने अपनी बात को समाप्ति की तरफ इशारा किया। वो समाप्ति नहीं है बल्कि एक शुरुआत। आज जिस तरीके से अभिव्यक्ति के आजादी को जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है खास वर्ग के द्वारा, वो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि समाज में, चाहे हम घर से बाहर जैसे ही सड़क पर आते हैं तो हमें ये तय करना होता है कि आप जिंदा वापिस आएंगे या नहीं। कल मैंने एक कहानी पढ़ी, मोते ही मोते, मुझे टाइटल बहुत खतरनाक लगा। ऐसा लगा पढ़ते जैसे टीवी में आजकल जो एक आता है ना इंडिया खोज समथिंग करके कुछ आता है, उसमें मोतों पे बहुत कुछ दिखाई देता है। मैंने वहां से शुरुआत की और उसमें दिखाई दिया कि आखिर इसका टाइटल ऐसा क्यों है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसका अभिप्राय ये था कि आज जो तय जो जगह थी हमारी, जहां दफन किया जाता था, जहां जलाया जाता था, वो उन पर भी हमारे बहुजन समाज का अधिकार नहीं है। आप मौतों को सड़क पर देख सकते हैं, आप मंदिरों में देख सकते हैं, मस्जिद में देख सकते हैं, आप बाहर संस्थाओं में देख सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में देख सकते हैं, हर जगह पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि मौतों के लिए भी जो एक तय जो एक निश्चित जगह हुआ करती थी, होती थी, वह भी आज हमसे छीनी जा रही। आप मौत को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, और खासकर जो एकलव्य की तरह जो अंगूठा काटने वाले, जो जो अंगा उनका सिर छीनने वाले एकलव्य के जैसा एक एक कुर्बानी लेने वाले, वो हर जगह पर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा कहा नवीन जी ने जो इशारा किया कि अर्बन जो नक्सलाइट है ये क्या है आखिर, ये ग्रामीण क्यों नहीं हुआ। अंचल तो अगर हम देखें जो ग्रामीण प्रवेश से जो शुरुआत हुई थी, अगर आप नक्सलबाड़ी के आंदोलन को भी पढ़े तो वहां से शुरुआत मानी जा रही है। या जो समीकरण बदला कहते हैं, इसका एकदम सीधा सा यही अभिप्राय है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें चाहे छात्र हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे कोई भी इवन नॉन टीचिंग स्टाफ का भी हो, अगर जरा सा भी अपनी अभिव्यक्ति की बात करता है और अपनी आवाज उस खामोश आवाज को आवाज देना चाहता है, वो शिकार होता है। और न सिर्फ उस सिस्टम में शिकार होता है बल्कि उसके जो परमकारी बैठे हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। आज मैं जब यहाँ आई, आने से पहले एक पत्रकार का मेरे पास फोन आया, सुधांशु जी आपके लिए विशेष रूप से, उन्होंने मुझे कहा कि ओबीसी मंडल का जो जो एक तरह से पूरा का पूरा जो एक आंदोलन था जिसने बदल के रख दिया था, एक नई विचार की जो एक पैदा की थी समाज में, उसका तो दलितों के साथ बहुत विरोध रहा है। बहुत विरोध होते हुए आप कैसे ओबीसी का रिजर्वेशन का समर्थन कर सकते हैं। उसके प्रश्न साथियों मित्रों सिर्फ इतना नहीं था, जो उसने नहीं कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। जो जो उसके जो जो मैं जवाब दे रही थी, वो जो सुनना चाहता था वो कुछ और था, जो जवाब मैं दे रही थी वो भी कुछ और था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके के एक तरह से सबको शिकार बनाया जाए, हर एक स्तर पे, चाहे वो महिला हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे हमारा एससी वर्ग हो, चाहे कोई भी समाज का वह व्यक्ति जो अपनी बात एक तरह से कहने की कोशिश करता है, जो अभिव्यक्त करता है, खामोशी को तोड़ने का जो प्रयास करता है, उसकी तरफ एक ऐसा इशारा है, ऐसी एक धमकी है कि आप चुप रहिए या आपको हर तरह का दंड भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप ये देखिए, आज एक आम आदमी अगर सब्जी लेने दुकान पे जाता है तो आप अपनी पसंद की सब्जी का खरीद नहीं सकते, वो आपको बताना पड़ेगा कि आपने सब्जी कौन सी ली, आपने उसमें चिकन लिया है, आपने उसमें मटन लिया है, आपने उसमें बीफ लिया है। ये जो अधिकार जो था हमारा खाने का अधिकार, वो तक भी एक खास फोर्सेस के द्वारा छीना जा रहा है और उसके निहितार्थ है। खासकर जो जो हमारा जो युवा तबका है उसको समझने की जरूरत है, जिस तरीके से उनको भावनाओं में बहकर एक खास वर्ग तैयार किया जा रहा है, हम बीच में से, दलितों के बीच में से भी हो सकता है, ओबीसी के बीच में से भी हो सकता है, वो हमारे आदिवासी समाज के बीच में से भी हो सकता है, एक खास तरह की मानसिकता है, ऐसे हथियार के रूप में हमारे अपने ही लोगों के विरुद्ध अपने ही लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसको बहुत अच्छी तरह से निहितार्थ इसके समझने की जरूरत है, वो इस रूप में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप उस आवाज के साथ जो एक समूहता की आवाज बन सकती है, जो एक आवाज बनकर सड़कों पर उतर सकती है। अभी मेरे साथी ने बहुत अच्छा कहा, ये सिर्फ संसद की लड़ाई नहीं है, ये बल्कि सड़कों पर उतर कर लड़ने की लड़ाई है। अगर आप सड़कों पर उतर कर लड़ने की लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते तो आप केवल संसद या
राजनीति की लड़ाई अगर आप करेंगे और मुद्दा बनाकर लगे गए तो मुझे लगता है साथियों हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी है। एक भयानक किस्म का गैप इस दौरान आया है जहां हमने एक नई वैचारिकी को उत्पन्न किया था, जहां एक ऐसे क्रोधा हमारे सामने आते हैं जिन्होंने पूरी सामाजिक उथल पुथल को न सिर्फ सामाजिक बल्कि राजनीतिक का भी नया चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो प्रगतिवादी का, जो एक नई सोच लेकर आ रहा था, जो पूरे समाज को समग्रता से दे रहा था, जो बहुजन का कंसेप्ट लेकर आया, वो जो चेहरा था उसको कहीं ना कहीं न सिर्फ कुरूप किया जा रहा है बल्कि उसको खत्म करने की साजिश है और वो इस रूप से खत्म करने की साजिश है ताकि हमारे जो बीच की जो एक इकट्ठी आवाज बन सकती है उसको अलग 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 टुकड़ों में बांट दिया जाए। हम थोक सभी रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो खत्म किया जा रहा है या फिर एससी का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। सिर्फ रिजर्वेशन तक बात सीमित नहीं है बल्कि उसके एक ऐसे ऐतिहासिक जो जड़े हैं, जो अभी जो पिछले दिनों आपको पता होगा कि सुषमा स्वराज ने ही खुद बयान दिया क्योंकि भगवद गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए, उसके मतलब क्या है उसको समझने की जरूरत है। ऐसी ही कहीं हुई बात नहीं, भारत का राष्ट्रीय पशु पहले से ही घोषित है। अब आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पशु को दोबारा चिन्हित किया जाना चाहिए। एक तरफ आप चाहते हैं कि इनके प्रतीक, जो इनके प्रतीक है, खास वर्ग के प्रतीक है जिन्होंने सदियों से समाज को कुचला है, उन्होंने कभी एक समूहता की आवाज को इकट्ठा नहीं होने दिया, उन्होंने हमें बांध के रखा, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, शैक्षिक हो, किसी भी तरह के हमारी सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हो वहां तक भी वो पहुंचे हुए हैं। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उस जड़ों में जो मानवीय जो एक साहित्य में भी आवाज जो आई थी, मानवीय जो एक समाज की जो संरचना शुरुआत हुई थी उसको खत्म करने का काम किया है। इसलिए ये दोबारा से चाहते हैं कि ये जो ग्रंथ है इनको राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हम जानते हैं कि संविधान हमारा राष्ट्र ग्रंथ है, हमें भगवद गीता के ग्रंथ की जरूरत नहीं है। जो भगवद गीता या जो रामायण जो आपके पूरे एक समाज के प्रतिनिधित्व को जो बहुल है उसके प्रतिनिधित्व को खारिज करती है उसको आप कैसे राष्ट्रीय घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रतिशत लोग ही चाहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक जो समग्रता है जिसमें सबकी आवाजें, जिनके सबके अपने रीति रिवाज धार्मिक परंपराएं हैं, जिनके सबके अपने अपने कहन है, उन सारे कहनों में बस पांच मिनट मैं मुझे पता है मेरे को सजा मिल रही है दे रहा हूं, उन कहन को खत्म किया जा रहा है, साहित्य में उसको बिल्कुल बदल के रख दिया गया है। ऐसी ऐसी पुस्तकें हमारे सामने हैं क्या ताकि छात्र जो पढ़े वो पढ़े जो वो पढ़ाना चाहते हैं, वो सीखे जो वो सिखाना चाहते हैं, वो बने जो वो बनाना चाहते हैं। यही वजह है आप किताबों के पाठ्यक्रम को उठाकर देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पाठ्यक्रम की है। अगर मैं सिर्फ संस्कृत का ही आपको उदाहरण दूं, अभी हमारे यहाँ पाठ्यक्रम बदला, उसमें वर्ण व्यवस्था पर भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें जाति व्यवस्था पर भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें महिलाओं के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के सवाल को भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये तो बता दिया कि हम इनको पढ़ाना चाहते हैं, वो विषय जिसके आधार पर हमारे आप जैसे लोग आलोचना करते हैं, उस आलोचना को खत्म करने के लिए, उनको मुंह बंद करने के लिए वो चाहते हैं कि हमने इनको लगाया, हम विषय हम लेकर आए, लेकिन आप उनकी किताबों को उठाकर देख लिए, जब दीजिए जब वर्ण व्यवस्था पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ा रहे हैं, जब जेंडर की बात करते हैं तो उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। अभी लास्ट एक छोटा सा कंक्लूजन करते हुए सिर्फ ये कहूंगी, अभी पिछले दिनों कैनेडा में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और विश्व संस्कृत सम्मेलन, वहां पर मैंने सूत्रों पर बात कर ली, जेंडर और कास्ट से मेरी बातचीत थी, मैं ये राष्ट्र ग्रंथ की बात कर ली, वो भी वहीं थे, मैं भी वहीं थी और मैं पैनल में थी। जब हमने बात की शुरुआत की उन्होंने तभी हंगामा करना शुरू कर दिया। आप ये देखिए, एक तरफ चाहते हैं कि आप अपना ये दोगला जो चेहरा है, वो जो कुरूप चेहरा है, वो भद्दा जो चेहरा है उसको झुकाए रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये फेस पाउडर वाले चेहरे को आगे रख रहे हैं ताकि आपको चेहरा फेस पाउडर वाला दिखाई दे, उसका जो असली जो चेहरा है वो आपको दिखाई ना दे। यही वजह की सूत्रों पर उन्होंने बोल नहीं दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। आप बिल्कुल एकदम प्लान तरीके से आप चाहते हैं कि आपको प्रोग्रेसिव तो दिखाई देना है, सबके साथ है, समाज को भी जागरूक हो चुके हैं, उनको पता है अगर टीना जाबी जैसी लड़की को या अगर खेलों में ऐसी लड़कियों को या लड़कों को अवसर दे दिया जाए तो
तो वो आपके जनरल क्या है, वो तो पूरे विश्व में ही आगे निकल जाएंगे। तो वो हल्कर कैसे छीना जाए, वो छीनने का दोहरा तरीका है कि उनके फेस पाउडर वाले चेहरे को आगे करो, करूर वाला पीछे रखो। पढ़ाना चाहते हैं वो, आपको दिखा भी रहे हैं कि हम तो पढ़ा रहे हैं, देखो संस्कृत कितनी प्रोग्रेसिव होगी। हम तो चाहते हैं कि राष्ट्र ग्रंथ भगवद गीता इसलिए राष्ट्र ग्रंथ बने क्योंकि उसमें तो ये कहो सर्वे भवन्तु सुखिनः। अरे कहाँ सर्वे भवन्तु, सर्वे तो आपने कभी लिया ही नहीं। हम तो चाहते हैं ना सर्वे करिए जनसंख्या, आपने तो किए नहीं कभी। आपने तो अभी आपने पहले अगर दबाव में राजनीतिक भागीदारी से सामाजिक भागीदारी से अगर आपने आरक्षण लागू नहीं किया तो आपने क्रिमिनल लागू कर दिया। उसके साथ ही साथ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही मैं एग्जाम्पल लूँ, हमारे यहाँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अभी एडमिशन हुए उसमें ओबीसी की सीटें बड़ी मुश्किल से भरी जा रही है। वो इसलिए बड़ी मुश्किल से भरी जा रही है क्योंकि इतनी टर्म कंडीशन है कि बच्चा जो बाहर से आ रहा है वो उसको कहाँ से ऑनलाइन लेके आएगा, वो कहाँ से वो सारे आंकड़े इकट्ठे करके लेके आएगा जो आपका चाहिए। आपकी लिस्ट जो जातियों की लिस्ट जिसमें आपने ये कहा कि ये क्रीमी लेयर में आएगा, ये नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, उनकी जो स्टेट की जो पॉलिसीज है उसमें कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। बच्चा अगर झारखंड से यहाँ एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, महाराष्ट्र से एडमिशन लेने के आ रहा है, उसको कैसे पता लगेगा कि ओबीसी में आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको हमें मिलजुल कर बैठ के बात करने की जरूरत है। और ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है कि सिर्फ इसको संगोष्ठियों तक सीमित कर दिया। आज जो मंडल दिवस है उसके निहितार्थ, उसके निहितार्थ ये है कि इसमें दलित बहुजन एकता कायम हो और वो ऐसी एकता कायम हो जो अगर आप इसका ही उदाहरण लें, अभी पिछले दिनों कावड़ वाला जो सिस्टम चल रहा था, अगर आप पीछे 10-15 साल पहले चले जाएं तो मुझे याद भी नहीं पड़ता कि कोई सीट का कावड़ का भी कोई बंधन था। अपने आप नई से नई उत्पत्ति, और उसमें कौन है, हमारे अपने लोग, हमारे अपने ही लोग जिनके बीच में से हम लोगों को फूट डालकर लड़ाया गया। इतनी फुर्सत होती ही नहीं है कि 10-15 दिन जाके आए जाए और लेके आए। अगर जो रोजगार वाला है, जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, जो पढ़ाई में सिंसियर है, जो उनके अध्यापक ये शिक्षा दे रहे हैं कि कावड लेके जाने की बजाय अगर अटेंडेंस क्लास में नहीं होगी तो अटेंडेंस चोट हो जाएगी, अगर चोट होगी तो एडमिशन आपको अध्याय में बैठने नहीं दिया जाएगा। टीचर भी अगर ये समझाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं कावड़ ले अटेंडेंस में लगा दूंगा, अगर ये शिक्षा शिक्षक ये काम करना शुरू करेगा तो उसके निहितार्थ को समझने की जरूरत है। जो जो आज हमारे जो शिक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमारे देखिए शिक्षा के लोग या शिक्षक या विद्यार्थी आते कहाँ से, समाज। जो अध्यापक निकल के आएगा वो समाज से ही आता है, समाज में जैसा उसने व्यवहार देखा, जैसी उसकी परवरिश है, जैसी उसको विरासत में मिलती आई है, वो वही आके शैक्षणिक संस्थाओं में करेगा। वो कोई ऐसे ऊपर दूसरे ग्रह से उतरा हुआ प्राणी नहीं। अगर उसकी जातिवादी मानसिकता है वही जातिवादी मानसिकता उसकी शिक्षण संस्थाओं में भी होगी। और एक छोटा सा उदाहरण करके आपको मैं मेरी बात बताती हूँ। परसों ही हम लोग कॉलेज में बैठे हुए थे, मेरी 8:30 की क्लास होती है, ये मैं आपको जानबूझ के बता रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही कि मेरा अनुभव है, बाकी मैं जानती हूँ कि मेरा अनुभव ना होकर ये हर एक अध्यापक का अनुभव है जो छेड़ता है, जो बात नहीं करता, जो चुप रहता है। इस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है और जब तक हम इस चुप्पी को नहीं तोड़ेंगे तब तक मुझे लगता है रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का सवाल कभी नहीं बन पाएगा। वो सिर्फ रिजर्वेशन रहेगा, वो ऐसे रहेगा जैसे हम जहाजों में रिजर्वेशन लेते हैं। वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन का जो मतलब है वो आरक्षित वाला मतलब हो, आरक्षित जो आप डिब्बों में आपको आरक्षित करते हैं वो प्रतिनिधित्व हो समाज का, वो नहीं चाहते। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मैंने जस्ट आके ऐसी क्लास स्टाफ रूम में कहा कि मेरे यहाँ तो खड़े ऐसी क्लास में कोई स्टूडेंट आता ही नहीं, मैं आगे बैठ जाती हूँ 7:30 तो ऐसे कैसे काम चलेगा, नॉर्मल सी बात की। दूसरे अध्यापक ने जहाँ 10 अध्यापक बैठे हुए नॉर्मल सी बात करते हुए ये कहा कि यार क्वेश्चन तुम आ तो जाती हो सुबह सुबह, एक काम किया करो सुबह से झाड़ू पोछे वालों को देख लिया अपने मारते हो। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की बता रही हूँ मैं, प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के सम्मानित अध्यापक सारे अध्यापकों बीच में है मुझे ये कह रहे हैं कि अब तुम आ तो जाती हो सुबह सुबह थोड़ा झाड़ू पोछे वालों को देख लिया करो, टॉयलेट साफ हुए या नहीं, झाड़ू पोछा लगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस सवाल को कहा है, SC ST एट्रोसिटी एक्ट तो दोबारा बड़ी मुश्किल से दबाव में आया, 2 फरवरी के बाद आप कर क्या लेंगे, वहां पे तो वही बैठे होंगे, क्या करेंगे आप बताइए मुझे, कहाँ साथ देते हैं आपकी, कहाँ डूटा इसमें साथ देती है, आज तक डूटा नहीं सब आपको उठाए कि अगर कोई SC ST एट्रोसिटी किसी भी टीचर्स की कॉलेज में यूनिवर्सिटी में होती है तो डूटा उसके साथ काम करेंगे, बताइए मुझे, सुधांशु तो जिम्मेदार आदमी है, अगर एक भी एजेंडा ऐसा हो डूटा में, और ये हम कर चुके हैं।
मैं पहले ही कर चुकी हूँ, एक बार और बहुत कब तक करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें उस खामोशी को उस चुप आपके सलाह के माध्यम से भी आएगी, आपके प्रेम के माध्यम से भी आएगी। मत गिनाइए, आज तो दलित महिला बोलने लगी है, ये सारी तरह से आएगी। और ये समग्रता की आवाज जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारी लड़ाई अधूरी है। और इसको सड़कों पर लेकर जाने की आवश्यकता है, तब ये हमारे अधिकार पूरे होंगे। अन्यथा ये जो बीच का जो पीरियड आया ना हमारा, कांवड़ टाइप वाला, राम रथ यात्रा, अयोध्या मंदिर, फलाना ढिकड़ा मुकड़ा, ये सारे के सारे जितने भी ये बीच में पड़ाव आए हैं, उस वैचारिकी को अंतिम रूप से सिर्फ इतना श्रद्धांजलि देते हुए और नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि उस वैचारिकी को, उस राजनीतिक समझदारी को, उस दृष्टिकोण को जो समाज में बुनियादी बदलाव लेने के लिए लड़ा गया था, जो न सिर्फ लड़ा गया था बल्कि उसको कार्यान्वित किया गया था, और जिसमें जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पर इकट्ठे होकर बात करें, उसको दोबारा से अभिव्यक्ति देने की जरूरत है। आपने मुझे सुना, बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।